नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक ग्लास सूजी केक चॉकलेट फ्लेवर में। इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके मिलते रहे मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो चलिए एक ग्लास सूजी केक रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक ग्लास सूजी केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें जा रहा है 2/3 कप दही। अब इसमें जा रहा है 1 कप पाउडर शुगर। चीनी पाउडर करने के बाद आप इसे मेजर करें। अब इसमें जा रहा है 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल। सारे चीजों को अच्छे से मिला देंगे। जब तक इसके अंदर क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए तब तक हम इसे मिलाते रहेंगे। इसके अंदर क्रीमी टेक्सचर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें जा रहा है 1 कप बारीक सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मिक्सी में डालकर पीस ले, इसे मिला दे अच्छे से। सूजी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें जा रहा है 1 कप मैदा। साथ साथ जा रहा है 1/4 कप कोकोआ पाउडर। सारे चीजों को अच्छे से मिला दे। अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, अब देख सकते हैं काफी ठीक हो गया। तो अब इसमें जा रहा है 1/3 कप दूध, मिला देंगे अच्छे से। तो दूध हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर बेटर आपको ज्यादा ठीक लगे तो इसमें थोड़ा सा दूध आप मिला सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप कढ़ाई के अंदर रख देंगे बटर पेपर, ऊपर से हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो ऑयल से ग्रीस कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं बटर की तरफ। आधा घंटे के बाद बटर हमारा काफी फूल चुका है। अब इसमें जा रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, साथ साथ जा रहे हैं 1/2 कप दूध। एक साथ ना डाले, मिला दे अच्छे से। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। 1/2 कप दूध से 1 टेबल स्पून दूध बच गया। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर बैटर डाल देंगे। इसे अच्छे से टैप कर देंगे ताकि ऊपर से स्मूथ हो जाए और इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स ना रहे। ऊपर से सबके ही ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे ताकि देखने में और भी अच्छा लगे। ड्राई फ्रूट डाल दिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तवा को हम 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। 5 मिनट के बाद तवा के ऊपर कढ़ाई रख देंगे।
अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर मीडियम लो फ्लेम पे 40 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 40 मिनट के बाद ढक्कन हटाया मैंने और इसे हम नाइफ से चेक कर लेंगे। तो देखिए ये सूखा निकला है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने और इसे हम साइड में रख देंगे। इसे ठंड होने के लिए छोड़ देंगे। ठंड होने के बाद इसे डिमोल्ड करेंगे। इसे किसी प्लेट के ऊपर ऐसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये निकल गया है। बटर पेपर को हम निकाल देंगे। इसे हम पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनाया है। कितना बढ़िया तरीके से पका है केक कढ़ाई में आप देख सकते हैं। इसे काट कर इसका टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ। कितना अच्छा दिख रहा है ये पीस। आपको प्रेस करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाया है। तो इस केक को आप घर पर आसानी से बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।